जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपके लिए ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ जो बच्चा बैठा हुआ है, जिसने अभी एयरफोर्स फैज सेकंड क्लियर किया है, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो वो अभी एयरफोर्स जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आगे जो जिनका एयरफोर्स फैज सेकंड होने वाला है, फिजिकल के बारे में भी डिटेल होगी, रिव्यू होगा इस बच्चे का पूरा, जो फिजिकल के बारे में है, ग्रुप डिस्कशन के बारे में है, क्या क्या जो चीज़ें वहाँ पे हुई है, बहुत सारी चीज़ें जब आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको बताई जाती हैं, उनसे परे वहाँ वास्तविकता क्या होती है। हाँ, सीखना सबको पड़ता है, हर जगह सेम सी तैयारी होती है, बट आपके सामने अगर ये रिव्यू आए तो आपको लगेगा वास्तव में कि हाँ, ये चीज़ें जरूरी है जो हमें वास्तव में करनी चाहिए। बच्चे का नाम है राजेंद्र माचरा, गाँव कौन सा है? अमृतसर। पापा का नाम? बहुरलाल जी मात्रा। अमृतसर चुरू से है बच्चा। बच्चा मेरे पास तैयारी कर रहा है, अप्रोक्स साल भर होगी, पहले इसकी एज नहीं हुई थी, बच्चा छोटा था, डाडी का भाई है। अब अपन जो है बात करते हैं, एक कब हुआ था तेरा? कल एक फरवरी 2024 इसका फेज सेकंड था। सेंटर कौन सा था? अंबाला कैंट। सुबह की रिपोर्टिंग 5 बजे आवाज तो आ रही है? सुबह की रिपोर्टिंग 5 बजे। उसके बाद वहाँ पर मौसम खराब था, तो 5 बजे हमारे डॉक्यूमेंट देखे और अंदर लिए। फिर हमें हॉल में थोड़ा जोर से बोलता है, फिर हमें हॉल में बिठाया गया। फिर वहाँ पर बारिश आ रही, तो रनिंग के लिए नहीं लेके गए, पहले फॉर्म फिल करवाया गया। फिर तो मेरे को फोन भी किया था उस विकास कुमार के पापा ने, घड़ा कुछ के घड़े उड़े। हाँ, बारिश आ रही थी, मौसम खराब था, तो पहले अंदर ही बिठा दिया गया, फिर फॉर्म फिल कराया गया। फिर बाद में 6:30 बजे बोला गया कि रनिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर वापस बारिश स्टार्ट हो गई, तो एक फॉर्म और फिल करवाया गया। फिर बाद पीआईक्यू बोलते हैं वो लास्ट में था, पहले स्किल फॉर्म फिल करवाया गया। बाद में 7 बजे हमें बाहर निकाला गया। स्किल फॉर्म में क्या डिटेल भरनी रहती? उसमें नाम और वो बीर अपनी ग्रेजुएशन बस। अच्छा, भाई अपने बारे में जो बेसिक डिटेल्स होती है ना, वो फॉर्म भरवाया गया था, या फिर हमारे पास कोई खेल का सर्टिफिकेट हो? अच्छा, वो वेरीफाई करा होगा ना उस टाइम में, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, या आपका कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास कोई भी डिग्री है, या कोई अपने बारे में कुछ लिखना है करना है, वो उसमें फिल करवा दिया फॉर्म में। वो चीज़ें थोड़ा बाद में होती है, जिसको पहले करवा लिया गया था, ठीक है। पीआईक्यू फॉर्म नहीं, पीआईक्यू फॉर्म जीडी ग्रुप डिस्कशन के पहले वो भरवाया जाता है। बाद में बाहर ले गया, थोड़ी एक्सरसाइज करवाई, बाद में बस। अच्छा, पहले वार्म अप करवाया था? थोड़ा वार्म अप भी करवाते हैं भाई। कई बार क्या होता है ना, बच्चे के माइंड में ये रहता है कि यार हम लोग का वार्म अप नहीं होगा, जैसा आर्मी वगैरह में होता है, आप लाइन में लग रहे हो, आपका एक प्रॉपर ग्रुप बन गया, ग्रुप बनने के बाद आपको सिर्फ सीधा आपको दौड़ाने के लिए लेके जाते हैं, वहां पे बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। बट इस मामले में जैसा कि ये बता रहा है, पहले आपको वार्म अप मिल गया, तो बड़ा आसान सा काम है, आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर लोगे, जो भी हल्का फुल्का स्ट्रेच वगैरह कर लोगे, तो आसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसा आप शुरुआत से करते आए। अपन ग्राउंड में ये चीज कर रहे थे, 10 या 15 मिनट वार्म अप करवाया गया। बाद में बस आई, बस से हमें ले जाया गया थोड़ी दूर, वहाँ पर रोड थी, पहले ऐसे करके यहाँ पर जाके पहले 80 का 40 का ग्रुप बनाया, फिर रनिंग करवाई, पूरे 7 मिनट दिए, फिर हमारे बेंच में बस 2 ही बंदे आउट हुए थे रनिंग में। बाद में हमें वहाँ से वो एयरफोर्स स्कूल थी वहाँ ले जाया गया, वहाँ पर बड़ा हॉल था, वहाँ पर पुशअप्स, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स निकाले गए, नॉर्मल थी एकदम इजी, बिल्कुल वहाँ पर एक भी बंदा आउट नहीं हुआ। अच्छा, ये फिजिकल में 2 ही बंदे आउट हुए टोटल, वो भी रनिंग में। फिर वहाँ से वापस लाया गया, वापस जाके अंदर बैठाया गया, फिर पीआईक्यू फॉर्म दिया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो भाई, रनिंग होने के बाद इंडोर स्टेडियम था, इंडोर स्टेडियम मतलब पूरा बंद था, उसमें इनको जो आगे की एक्टिविटी है, पुशअप्स वगैरह है, स्क्वाट्स वगैरह है, सिटअप वगैरह है, वो एक्टिविटी वहाँ करवाई, उन्होंने करके दिखाया था कि ऐसे करना है। हाँ, वो जैसे आप वीडियो भी देख सकते हैं, बट मतलब पहले वो बताते हैं, आपका फोकस होना चाहिए जैसा वो बता रहे। मेरा एक बच्चा कल आउट भी हुआ था, तुम्हारे बेंच में था गोविंद, वो जिद्दी मां, हाँ, उसका रीजन था, उसने टॉपिक की हेडिंग नहीं लिखी, उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देते आउट हो जाओगे, बाकी कोई कमी नहीं थी, ठीक है। इनके फिजिकल में 2 ही बंदे आउट हुए, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है, हर सेंटर का अपना अपना सिस्टम होता है,
कई बार ज्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, ठीक है। बट फिजिकल बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता, 7 मिनट देने होते हैं 7 मिनट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती फिजिकल के मामले में, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद में आपसे PIQ फॉर्म भरवाया जाता है, ड्रेस चेंज करने का टाइम देते हैं नहीं, वो कुछ नहीं बोला, वो जैसा हो वैसे ही है ना। हाँ, तो ज्यादा कोई बनने टनने की भी जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही, ठीक है। कोई शादी ब्याह वाले तो देखने आए ही नहीं है, है? और PIQ फॉर्म हो गया अपना, बीच में टाइम भी दिया था, बीच में टाइम दिया था, खाने पीने का नाश्ता बनेगा ना, वो वहां मिल गया था या फिर आपको लेके जाना था? वहां पर भी मिल रहा था, कैंटीन में पैसे लग रहे थे, कैसे पैसे लग रहे थे। तो भाई अपना जैसे आप साथ में लेके जाते हो तो ठीक है, नहीं लेके जा रहा है उसे वहां पे मिल जा रहा है, बस आपको पैसे जरूर साथ में लेके जाने हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है ना। अब बता आगे का। बाद में 21 के ग्रुप बनाए गए। अच्छा, 21 एक ग्रुप में 21 जने थे भाई। फिर वहाँ पर GD के लिए ले जाया गया, वहाँ पर बिठाया गया सबको सिक्वेंस वाइज, बाद चेस्ट नंबर वाइज बिठाया गया। फिर वहाँ पर कंप्यूटर लगा था, उसके पास स्पीकर था, फिर हमें वो टॉपिक का नाम बताया पहले कि आपके ये टॉपिक है, हमारे टॉपिक था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ट्रेडिशनल शॉपिंग। अच्छा, ट्रेडिशनल ऑफलाइन, ऑफलाइन नाम ना देखे, ट्रेडिशनल शॉपिंग बता दिया उसको। फिर वहाँ पर वो स्पीकर कंप्यूटर चालू किया गया, वहाँ पर वो आराम से बोल रहा था 5-6 लाइन स्पीकर। अच्छा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड था पहले। अच्छा, मतलब इनको ग्रुप वाइज डिवाइड करके ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कहीं सेंटर पे ऐसा होता है जहाँ पे जो आपके अधिकारी हैं वो आपको बोल के सुनाते हैं कि भाई ये टॉपिक है, इसके बारे में जब आपको वो ब्रीफ कर रहे होते हैं, इनके सेंटर में ये ना ऑलरेडी स्पीकर थे और स्पीकर में वो टॉपिक रिकॉर्डेड था, उसको सुनाया गया था आराम से, आराम से, हाँ आराम से सुनाया। फिर वहाँ पर वो टॉपिक सुनाया गया, बोला था, फिर फेयर पेज और रफ पेज दिए थे जब PIQ के फॉर्म भरवाया। रफ पेज, हाँ रफ और फेयर दोनों, PIQ के फॉर्म भरवाया जब उसी टाइम दे दिया गया था, वो साथ में लेके जाने थे, तब वो बोल रहा था तो बोला रफ पेज में लिखना है वो लिख लो, बाद में 10 मिनट का टाइम दिया फेयर में वो लिखने के लिए, फिर बाद में वो सारे कलेक्ट कर लिए, बाद में एक एक को एक एक मिनट का टाइम दिया और बोला इंट्रो बोल दो और टॉपिक पर थोड़ा बोल दो। इंट्रो में पर्सनली सबको अलग अलग टाइम दिया, पर्सनली पहले एक एक मिनट सबको, चेस्ट नंबर वाइज मैं एक एक मिनट बोले थे। फिर बाद में GD के लिए बैठे, तो बाद में वो उन्होंने 10 का अलग ग्रुप बना दिया और 21 में से 11 का अलग ग्रुप बना दिया। अच्छा, इनमें से दो डिवाइड कर दिए, पहले 10 वालों को बुलाया गया कम से कम 5-6 मिनट, बाद में 11 वालों को बुलाया गया, तो हमारे ग्रुप में उसका खास मजा नहीं आया क्योंकि बंदे सारे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने फिर 5 कोई खास प्रिपरेशन थी नहीं, बोलने की प्रिपरेशन नहीं थी पहले। जब आपकी बोलने की प्रिपरेशन नहीं है ना, मैंने यहाँ पे जब हम लोग लास्ट में, जब देखो हमारा काम था पहले बच्चे को सिखाना, सिखाने के बाद हम जब लास्ट में तैयारी करवा रहे थे ना, हम आपस में डिबेट करवा रहे थे, 3-3 की डिबेट करवा रहे थे, 2-2 की डिबेट करवा रहे थे, 1-1 की डिबेट करवा रहे थे, ये बोल रहा है अगला क्रॉस करेगा, अगला उस बात को कटेगा, इसका फायदा वो लास्ट के जो 7-10 दिन है ना वो बहुत निकल गए। मैंने तो इंट्रो बोल के 2 लाइन बोली तब भी बोल दिया स्टॉप, बस। आप अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है आप बोल रहे हैं उसका पता ही नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, तब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप मीनिंगफुल, यही बात मैं बोलता था, यही चीज मैंने बोली थी इनको, मैं कहा 2 लाइन बोल दो पर ऐसी बोलो अगले को समझ में आए इसका अर्थ क्या है, है ना, अपने आप पास हो, यही हुआ। यस सर, बिल्कुल। बाद में वो पहले तो 10 और 11 का ग्रुप बनाया गया, तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, 4-5 बंदे थे ऐसे थे जो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वहाँ पर उन्होंने सर ने बोला भी था आपको भी GD के अंदर इंक्लूड पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर बाद में वो नहीं बोले, तो फिर 5-5 का ग्रुप बनाया गया, 4 ग्रुप। अच्छा, फिर 5-5 भी बनाए, फिर 5-5 के 4 ग्रुप बना लिए, फिर उनको बोला गया तो भी तो ज़्यादा नहीं बोले, तो उन्होंने बोल दिया क्या कर रहे हो आप, प्रिपरेशन करके नहीं आए तो यहाँ पर क्यों आते हो। बिल्कुल। फिर वहाँ पर किसी की बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं थी, वो ऐसे कैसे बैठ रहा है, कोई कैसे बैठ रहा है, पैर के ऊपर कोई प्रिपरेशन है नहीं। देखो मौका मिल गया, 10-10 के ग्रुप बना दिए, उसके बाद 5-5 के ग्रुप बना के बोल रहे हैं भाई तुम बोलो तो सही। आप अगर किसी चीज का नॉलेज रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमने अप्रोक्स यहाँ पे कितने टॉपिक करवा दिए थे, कम से कम 150 के अप्रोक्स, 150 टॉपिक आपके लगभग हो गए थे। सही मायने में देखा जाए तो 100 टॉपिक तो एक बच्चे ने पढ़ा ही है, कई बार कोई बच्चा अब्सेंट रह जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, 100 टॉपिक एक बच्चा करके गया है, नोट्स मिल गए, उसमें सारी चीजें आपके सामने हैं, उसका फायदा आपको वहां जाके मिलता है। जो जैसा कि मैंने अपना रिजल्ट आपको मैंने कल बताया था, आज मेरे 2 बंदे थे, दोनों पास हो गए, है ना। yes.
आउट कितने हुए बच्चे? हमारे मैच में से 21 का था, उनमें से 11 जने आउट हुए। 11 जने, 21 में से 11 बंदे आउट हुए, मतलब 50% रेशियो। उसके बाद टोटल तो बता दिया था, हाथों हाथ आउट होने नहीं, वहाँ पे अंदर बिठाया गया, फिर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, फिर थोड़ी देर बाद में ऑफिसर आए, उन्होंने चेस्ट नंबर बोले, फिर वहाँ पर आउट। कितने बजे फ्री हुए थे? टोटल 100 बंदे आउट हुए। नहीं अच्छा, इनके सेंटर पे रिपोर्टिंग कितनी थी? सेंटर अंबाला 1 फरवरी अंबाला सेंटर, रिपोर्टिंग कितनी थी? रिपोर्टिंग 270 रिपोर्टिंग थी। जो बंदे प्रेजेंट हुए थे उनमें से निकले कितने? पहले तो फिजिकल में आउट हो गए थे 12-13 जने। हाँ टोटल फिजिकल में 12-13, रनिंग में 2 आउट हुए। फिर बाद में वो जीडी में 100 बंदे आउट हुए। मतलब अप्रोक्स अगर राउंड फिगर लें तो 125 के आसपास बंदे जो है वो 270 में से आउट हो गए। मतलब अपन राउंड फिगर मान के चले तो 35-40% के बीच बच्चा आउट हो गया था। टोटल 157 फिट किए थे वहाँ। हाँ टोटल 157 बच्चे फिट हुए मेडिकल। उसके बाद तुम्हें शाम को फ्री कितने बजे किया? शाम को सात बजे। सुबह 5 बजे एंट्री हुई थी, 7 बजे आपको फ्री कर दिया। बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है जब आप तैयारी करते हैं तो। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, वहाँ बोल नहीं पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैं सीरियसली अगर आपको बताऊं, हमारे ग्रुप में हमने ये माना था क्यों राजेंद्र कि तेरा मामला टाइट है। ये मैं बिल्कुल फ्रेंकली कह रहा हूं कि हमने ये माना था, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धि है, पर मैंने इसको कहा था कि कहीं ना कहीं अगर आपके सामने 10 बच्चे बैठे हैं तो आप ये कहोगे कि यार कौन अच्छा है कौन डाउन है। हमने ये कहा था, फिर भी इस बच्चे ने वहां जाके बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें पढ़ी हुई थी, कुछ चीजें ऑलरेडी। कई बार क्या होता है, बच्चे की IQ इतनी तेज होती है, वो बोल लेता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है, वो बोल लेता है कोई भी अननोन टॉपिक हो तो भी बोल लेता है। और ये इसकी खूबी थी, टॉपिक अननोन मिल जाए भाई साहब खींच देना मीटर, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा रहा था, कोई इशू नहीं है। जहां तक मेरा अभी तक का रिव्यू है, ये बच्चे अभी आए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के क्यों ना उन बच्चों के साथ शेयर किया जाए जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे जाके तैयारी एयरफोर्स की करने वाले हैं, और फेज सेकंड फेज करने का उनका भी मौका मिलेगा। उन बच्चों को जरूर देखना चाहिए। उम्मीद रहेगी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके के जो भी वीडियो होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, डे बाय डे जैसा भी होगा आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा, हर एक बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हो सकता है इसके ग्रुप में जो चीज़ें देखने को मिली वो दूसरे बंदे के ग्रुप में ना मिले, वो तीसरे बंदे के ग्रुप में ना मिले, बट ऑल ओवर चीज़ें सेम ही रहती हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो और उसको बहुत अच्छे से बोल सकते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सब लोगों का प्यार प्रेम रामेश्वरम क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के साथ बना रहेगा। आपका अपना रामदेव थालोड, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।